Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome back to our channel. Hope you guys are good at your home. And अब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस नहीं कर पाए. और अगर मेरे वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें. और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करिएगा, उसमें आपकी हेल्प के लिए काफ़ी सारे वीडियोस की लिंक मौजूद है. तो आज जो है हम साइंस फर्स्ट का फोर्थ लेसन जो है बर्की रॉ के असरात इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने वाले हैं. इससे पहले कि चैप्टर्स जो है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो भी ज़रूर चेक करिएगा. तो फिर चलिए ये सबक जो है स्टार्ट करते हैं. इस सबक में हम क्या देखने वाले हैं कि बर्की रॉ में तवानाई की मुंतकली किस तरह से होती है, उसके बाद बर्की रॉ का मैग्नेटिक इफेक्ट यानी मिकनातीसी असर क्या है और बर्की रॉ का हरारती असर क्या है. तो चलिए फिर सबक स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर स्टार्टिंग में जो है आप लोगों को ज़रा याद कीजिए करके एक साइड हेडिंग दी गई है जो आपका लास्ट ईयर का रिवीजन है. एक तरह से यहाँ पर सवाल दिया गया है कि अशिया बर्की रॉ की मौसिल है या गैर मौसिल, ये आप किस बिना पर तय करते हैं. तो हमने इससे पहले कई बार पढ़ा है कि मौसिल अशिया और गैर मौसिल अशिया क्या होती है. मौसिल अशिया की डेफिनेशन क्या है कि जिन अशिया में से बर्क आसानी से गुजर सकती है, बर्क यानी बिजली, करंट, बर्की रॉ जो है आसानी से गुजर सकती है, और जिन अशिया की बर्की मज़ाहमत इंतहाई कम होती है. मज़ाहमत के मानी होते हैं जो नॉर्मली मानी होते हैं वो है रुकावट के. तो जो है बर्की मज़ाहमत यानी रोकने की जो है उनमें जो है वो इंतहाई कम होती है पावर, इस वजह से उसमें से बर्क जो है वो आसानी से गुजर जाती है. तो इन्हें कहते हैं मौसिल अशिया यानी कंडक्टर. उसके बाद आते हैं गैर मौसिल अशिया जो इसके एकदम उलट है, यानी उनमें से बर्की रॉ करंट जो है वो नहीं गुजर सकता और उनकी बर्की मज़ाहमत बहुत ज़्यादा होती है, उनमें रुकावट ज़्यादा होती है, इस वजह से उसमें से करंट जो है इजिली नहीं जाता. इसे जो है इंसुलेटर यानी गैर मौसिल अशिया कहते हैं. अब ये तय करने के लिए आप लोग एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, काफ़ी सिंपल है. आपके घर में जो है कॉपर के वायर्स होंगे तो आप जो है उसे सेल या बैटरी के साथ जो है इस तरह लगा कर जो है और उसका एक वायर जो है आप किसी बल्ब या टॉर्च से कनेक्ट कीजिए और जो दूसरा वायर है उस सिरे को जो है आप किसी भी अशिया से लगाइए. अगर आपका टॉर्च रोशन होता है, बल्ब रोशन होती है, तो वो अशिया जो है मौसिल अशिया होगी, और अगर आपका जो है बल्ब रोशन नहीं होगा तो वो जो है गैर मौसिल अशिया होती है. बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, आप लोग सब जो है इसे ट्राई कर सकते हैं. उसके बाद ज़रा याद कीजिए, मैं दूसरा क्वेश्चन था लोहा बर्की रॉ का मौसिल है, ये हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन नीचे गिरे हुए लोहे के टुकड़े को हाथ से उठाते वक्त बिजली का झटका क्यों नहीं लगता. मतलब लोहा जो है मौसिल तो है, लेकिन अभी हम कई रास्ते में जा रहे हैं, हमारे घर में कोई लोहे की चीज़ गिर गई तो हम जब उसे उठाते हैं तो बिजली का झटका क्यों नहीं लगता. तो बिजली का झटका तभी लगेगा जब तक उसके तार में से बर्की रॉ गुजारी जाएगी, क्योंकि लोहे का जो है टुकड़ा नीचे गिरा हुआ है उसमें से करंट नहीं गुजर रही है. तो इसलिए जो है जब तक करंट नहीं गुजरेगी तब तक किसी भी मौसिल अशिया को छूने से हमें झटका नहीं लग सकता. अब जो है हमें बर्की सुकूनी के बारे में यहाँ पर दिया गया है छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो हमने जो है 7th-8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था. बर्की सुकूनी क्या होती है, जैसे इसका एक्सपेरिमेंट था कि आप जो है कंघी को बालों में कसी, उसके बाद जो अगर उसको आप पेपर के नज़दीक लेके जाएंगे तो वो जो है पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी. इसके अलावा बलून को भी घिसने से वो भी अट्रैक्ट करता है. तो ये वाले जो एक्सपेरिमेंट्स हम बचपन से करते आ रहे हैं तो इसे जो है बर्की सुकूनी कहते हैं. यानी जो अशिया के मस्बत बार और मनफी बरकीदे होते हैं वो एक दूसरे को जो है अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे की तरफ, और फिर जो चीज़ों में खिंचाव होता है, ये बर्की सुकूनी की डेफिनेशन जो है हम इससे पहले छोटी क्लासों में कई बार पढ़ चुके हैं. अब जो है ये सब हो गई लास्ट ईयर की बातें, उससे पहले की बातें, लेकिन इस सबक में हम क्या पढ़ रहे हैं, बर्की मौसिल तार से गुजरने वाली बर्की रॉ, उसके बाद मज़ामती तार से गुजरने वाली बर्की रॉ, फिर बर्की मौसिल से ताकतवर बर्की रॉ गुजारने पर होने वाला जो एक मखसूस असर होता है, जैसे बर्की मोटर, बर्की जनरेटर वगैरह, वो उसके कैसे असर होता है, उसके इस्तेमाल क्या है, ये सब जो है हम इस सबक में पढ़ेंगे. तो फिर इस साल का सबक स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पर जो सबसे पहले आपको मुशाहदा करके बहस कीजिए कि तस्वीरें दी गई है, ये तस्वीरें मैं इसीलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि पेपर में इस पर बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं. पहले जो घर की तस्वीरें दी गई है ये आप लोगों की लास्ट ईयर की टेक्स्ट बुक में थी तस्वीर, और जो है इसमें भी बताया गया है कि जो है अलग अलग बर्की जो है जो अलग अलग जो है बर्की खानों से या अलग अलग जो है उनके तार जोड़े गए हैं, और जैसे ऑन करेंगे तो सब चीज़ें अपने अपने वक्त पे स्टार्ट होती है. उसके बाद फ़ैन की तस्वीर दी गई है, जब हम फ़ैन का बटन ऑन करेंगे तो उसमें से बर्की रॉ बहेगी यानी करंट बहेगा तभी हमारा फ़ैन जो है वर्क करेगा. और यहाँ पर जो है ये बर्की बेल है यानी डोर बेल है जिसमें जो है बर्की रॉ का हरारती और जो है मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों भी बताए गए, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे.
अब जो है यहाँ पर हम एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं और एक्सपेरिमेंट के जरिए जो है हम एक हरारत का एक कानून अखज़ करेंगे। तो फिर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके लिए ज़रूरी अशिया क्या है। अब यहाँ पर जो ज़रूरी अशिया है मैंने यहाँ पर जो है उसका सिंबल और वो एक्चुअली कैसा दिखता है दोनों ही चीज़ें बताई हूँ, ताकि आप लोग अगर कभी इंशाल्लाह लॉकडाउन के बाद अपने लैब में जाए तो आप पहचान सकें। बरकी खाना है सबसे पहले इलेक्ट्रिक सेल जो बैटरी की तरह दिखता है और इसकी निशानी जो है कुछ इस तरह से होती है। उसके बाद जोड़दार है यानी कनेक्टिंग वायर जो हमारे वायर्स होते हैं वो, और इसकी जो है निशानी कुछ इस तरह से सिंपल सी लाइन है। प्लग कुंजी होती है, प्लग कुंजी इस तरह की होती है। इसके अलावा बटन्स भी होते हैं जो हमारे नॉर्मल घर में बटन यूज़ होते हैं वो भी यूज़ होता है, बट आइकॉनिक प्लग कुंजी ये है जो साइंस लैब में यूज़ होती है। इसकी अलामत कुछ इस तरह से। उसके बाद जो है मजामती तार एंड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इस तरह से वो आला दिखता है और अलामत इस तरीके से है उसकी। एम मीटर है और वोल्ट मीटर है, दोनों की मशीन में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अलामत भी जो है दोनों की और वो सेम है बट थोड़ा सा अलग है। तो ये जो है निशानियाँ हैं, ये ज़रूरी अशय हम लोगों को जो है यूज़ करनी है। अब हम देखते हैं हमारा एक्सपेरिमेंट क्या है। हमारा एक्सपेरिमेंट जो है इस तस्वीर पर बेस है। इस तस्वीर के तरीके से जो है हम लोगों को हमारी जितनी ज़रूरी अशय थी उसको जो है ज्वाइन करना है। हमारा तरीके अमल कुछ इस तरह से कि आलात को शक्ल में दिखाए गए बरकी दौर के मुताबिक जोड़िए। इसमें बरकी दौर में बरकी रो आई की पैमाइश कीजिए। मजामती तार के दोनों सिरे में ए एंड बी बरकी गवाह का फ़र्क यानी वी ए बी की पैमाइश लिखिए। मैं बताती हूँ यहाँ पर क्या बोला गया है कि ये जो आई है ये हमारी बरकी रॉ, ये करंट है, ये इस तरीके से जो है बह रही है एरो की शक्ल में देखिए, यानी ये ए से बी की तरफ जा रही है। तो यहाँ पर हमें मालूम क्या करना है कि ए और बी के बीच में काम कितना हुआ है, बरकी गवाह का फ़र्क कितना है यानी काम कितना हुआ है, वी ए बी की पैमाइश जो हमें मालूम करनी है। अब हम शुरू करते हैं हमारा मुशाहिदा। सबसे पहले तो ए का बरकी गवाह बी के बरकी गवाह से ज़्यादा है, क्योंकि नुक्ता ए बरकी खाने के मस्बत सिरे से और नुक्ता बी बरकी खाने के मनफी सिरे से जोड़ा गया। ये ए है जो वो है मस्बत से जोड़ा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मस्बत से जोड़ा गया, और बी जो है वो मनफी से जोड़ा गया है। तो इसीलिए मस्बत का बरकी गवाह जो है वो ज़्यादा होगा और मनफी का बरकी गवाह जो है वो कम होगा। उसके बाद जो है अगर ए से बी की जानिब क्यू बरकी बार, हमने फ़र्ज़ किया क्यू बरकी बार है हमारा करंट है, तो मुंतकिल हो तो उसकी सुकूनी बर्क में होने वाली जो कमी होगी वो वी ए बी होगी। यानी सिंपली क्या बोलते हैं, जब क्यू बर्क की बार हमारा ए से बी की तरफ बढ़ेगा तो वी ए बी जो होगा वी ए बी क्यू, यानी क्यू बर्क की बार बह रहा है और वी ए बी जो है हमने बताया हमारा काम होता है। तो क्यू बर्क की बार जब बहेगा ए से बी तक तो वी ए बी क्यू जो है वो हमारा काम होगा, यानी हम अपने काम को डिनोट करेंगे वी ए बी क्यू से। उसके बाद जो है अब तवानाई का जरिया तो बरकी खाना होता है। ये काम करने के लिए जो तवानाई आ रही है वो हमारे बरकी खाने से यानी हमारे सेल से आ रही है। तो ये तवानाई बरकी खाने ने बरकी बार के जरिए मजामती तार को दी और उसके बाद जो है वहाँ पर वी ए बी क्यू ये काम हुआ। लेकिन अगर ये क्यू बरकी बार टी वक्त में ए से बी तक यानी कोई स्पेसिफिक टाइम में ए से बी तक किया गया काम होगा तो उस वक्त जो है वी ए बी क्यू इतनी तवानाई मजामती तार को दी जाएगी। यानी अगर कोई स्पेसिफिक टाइम हम लोग फिक्स करते हैं ये काम के लिए तो वी ए बी क्यू क्या होगा, वो हमारा उस वक्त जो है वो तवानाई हो जाएगी जो हमने मजामती तार को फॉरवर्ड किया था। तो इस तरह से जो है तवानाई मजामती तार को मिलेगी और उसकी तब्दीली जो है वो हरारती तवानाई में होगी और मजामती तार की तपिश बढ़ेगी। यानी जब तवानाई हम मजामती तार को फॉरवर्ड करेंगे तो उसकी जो तब्दीली है वो हरारती तवानाई में होगी, क्योंकि मजामती तार की जो है तपिश बढ़ेगी और उससे जो है हमें बिजली की हरारती तवानाई मिलेगी, जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं और उसी का कानून हम अखज़ कर रहे हैं। तो ये जो है ये शक्ल आपको समझ में आ गई होगी इंशाल्लाह। यहाँ पर जो है अब इसका हम मसावात कैसे अखज़ करेंगे, इसका कानून कैसे अखज़ करेंगे, उसके लिए एक बहुत बड़ा न्यूमेरिकल है जो गाइज बहुत ही सिंपल है, आप लोग बस ध्यान से देखिए। ये जो पी है ये हमारी बरकी ताकत को डिनोट करती है और इसका ज़ाबता है तवानाई बट्टे दरकार वक्त। अब तवानाई जो हमने बताया कि वी ए बी क्यू जो है वो उतना काम होगा जो तवानाई मजामती तार को हमने फॉरवर्ड की, वो तवानाई वी ए बी क्यू होगी। उसके बाद दरकार वक्त हमारा हो गया टी, ये हमने पी के बराबर वी ए बी क्यू बटे टी जो है हमने मालूम कर लिया। अब हमने नवीं जमात में क्या पढ़ा था कि बरकी रो यानी आई जो है वो बराबर है क्यू बटे टी के। अब जब ये क्यू बराबर के इस तरफ आएगा और आई जो है बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये इस तरह से हो जाएगा, यानी क्यू बराबर आई जर्ब टी हो जाएगा। अब ये हमें क्यू की एक तरह से कीमत मिल गई कि क्यू की जगह हम आई जर्ब टी रखेंगे क्योंकि दोनों इक्वल है, तो क्यू की ये कीमत जो है हम वी ए बी क्यू में रखेंगे। तो हमारी मसावत किस तरह हो जाएगी, पी बराबर वी ए बी जर्ब आई जर्ब टी बटे टी, इस तरह से आ गई। अब ये टी और ये टी कट जाएगा और हमें मसावत फाइनली मिलेगी पी बराबर वी ए बी जर्ब
आई। ये हो गई हमारी मसावात एक। अब यहाँ से दो तरीके आते हैं, दो अलग अलग तरीके जिसको आपकी टेक्स्ट बुक में मिक्स कर दिया गया है। ये दो अलग अलग तरीके हैं सेम मसावात को अखज़ करने के लिए। तो सबसे पहला जो तरीका है, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक जो है दो लाइन की नोट दी गई है कि तवानाई के जरिए बरकी खाने से टी वक्त में पी जर्व टी तवानाई बरकी मजाम को दी गई। तब बरकी दौर से आई बरकी रो मुसलसल बह रही है तो टी वक्त में बरकी मजामत में पैदा होने वाली हरारत जेल के मुताबिक होगी। अब कैसी हरारत होगी? तरीका एक जो है उसमें देखिए क्या है, एच बराबर पी जर्व टी है ये हमें मालूम है। उसके बाद जो अभी हमने मसावात एक में साबित किया कि पी बराबर वी ए बी जर्व आई होता है, तो हम जो ये पी की कीमत है ये हम एच बराबर पी जर्व टी में रख सकते हैं। तो हमारी मसावात हो जाएगी एच बराबर वी ए बी जर्व आई जर्व टी। तो ये हमारी मसावात दो हो गई। लेकिन हमने नाइन्थ में पढ़ा था ओहम का कानून है कि वी ए बी बराबर आई जर्व आर होता है। ये हो गई हमारी मसावात तीन। अब हम तीन और दो को जब देखेंगे मसावात को, तो हम वी ए बी की कीमत हमें मसावात तीन में मिली है तो हम उसे दो में रख सकते हैं। तो वो दो में हम कीमत रखेंगे तो हमें मिलेगा एच बराबर आई जर्व आर जर्व आई जर्व टी। तो इस तरह आई जर्व आई यानी आई स्क्वायर हो गया और आर जर्व टी वैसे ही रहेगा। तो इस तरह हमें मसावात मिलती है एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। यही मसावात हमें जो है साबित करनी थी। अब यही मसावात हम तरीका दो से देख लेते हैं। एच बराबर पी जर्व टी है और पी की कीमत हमें मिल गई है वी ए बी जर्व आई, ये हमने इससे पहले साबित कर लिया है। तो यही कीमत जो है हम एच के उसमें रखेंगे, एच के जाब्ते में रखेंगे, तो एच बराबर वी ए बी जर्व आई जर्व टी है। अब यहाँ पर क्या किया है, जो है आर से जर्व और तकसीम किया है इसको, तो वी ए बी जर्व आई जर्व टी ऐसी था, आर से जर्व किए इसलिए जर्व आर और तकसीम भी किए तो बटे आर। अब घाई नहीं करेंगे इसे, बस जर्व और तकसीम करते साथ काट नहीं देंगे, थोड़ा सा रुकते हैं हम। ओहम के कानून के मुताबिक जो है हम वी ए बी की कीमत पहले तब्दील करते हैं। तो वी ए बी की कीमत जो है हमें आई जर्व आर मिली थी, ये आई जर्व आर हम जानते हैं वी ए बी की कीमत है। अब ऊपर मसावात में अगर आप देखोगे तो आई और टी जो है वो दोनों आपको मिल रहा है, तो यानी ये भी आई जर्व आर है तो इसकी जगह हम वी ए बी लिख सकते हैं। इसलिए हमारी एच बराबर वी ए बी जर्व वी ए बी जर्व टी बटे आर है, यानी वी स्क्वायर ए बी हो गया ये जर्व टी बटे आर। लेकिन ओहम का कानून के मुताबिक हमको पता है वी ए बी बराबर होता है आई जर्व आर, तो वो जो आई जर्व आर है उसकी जगह जो है हम ये वी ए बी की जो कानून है वो लिख देंगे, यानी वी स्क्वायर ए बी है तो उसकी जगह हम दो बार आई लिखेंगे, दो बार आर लिखेंगे, जर्व टी बटे आर। तो एक आर और एक आर जो है बटे में कट जाएगा, इससे हमें मिलेगा आई स्क्वायर जर्व आर जर्व टी। तो इस तरह हमें ये मसावात मिल गई सेम टू सेम जो ऊपर मिली थी, एच बराबर आई स्क्वायर जर्व आर जर्व टी। ये जो मसावात है ये है जूल के हरारत का कानून। ये कानून जो है हमें साबित करना था, जो हमने अभी अभी साबित कर दिया है। तरीका एक और तरीका दो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, बट आई वुड प्रेफर तरीका एक ज़्यादा सिंपल है। अगर आपको ये तरीका नहीं समझा है तो वीडियो बैक कीजिए और फिर से देखिए, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। और ये जो है जूल का हरारत का हमारा कानून है। अब जो है ये जो जूल का कानून है इसकी इकाई क्या है, इस तो हम जैसे जानते हैं कि पी बराबर वी ए बी जर्व आई थी, हमारी मसावात नंबर एक हुई थी, तो वी ए बी जो है उसे वोल्ट में नापा जाता है और आई जो बरकी रो है उसे एम्पेयर में नापा जाता है। तो यानी हमें मिला मतलब वी ए बी जर्व आई की बजाय हमें मिला वोल्ट जर्व एम्पेयर। अब वोल्ट जो है वो एक जूल पर एक कूलम होता है और एम्पेयर जो है वो एक कूलम पर एक सेकेंड होता है। 1C और 1C आप यहाँ देखेंगे कट जाएगा तो हमें P मिलेगा 1 जूल अपॉन 1S यानी 1 जूल पर सेकेंड। तो ये 1 जूल पर सेकेंड जो है वो इक्वल होता है वॉट के, इसीलिए जो ये बरकी ताकत है उसकी इकाई जो है हमारे लिए वॉट होगी। ये बस एक सिंपल सी मालूमात आपको दी गई है, आप लोगों को इसे याद रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे बरकी रॉ का हरारती असर, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो हमने मसावात देखी है वो हम जो है उसका इस्तेमाल देखेंगे। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, बहुत सिंपल है, लेकिन इसके क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा पेपर में, स्पेशली फ्यूज तार वाला और बरकी जो हम आगे पढ़ने वाले हैं इसका हरारती असर के इस्तेमाल वो पूछा जाता है कई बार पेपर में, तो उसे ध्यान से पढ़िए। बरकी मजाहमत को बरकी दौर में जोड़ने से बरकी रॉ से उसमें हरारत पैदा होती है, उसे बरकी रॉ का हरारती असर कहते हैं।
यानी क्या कह रहा है यहाँ पर, जब हम बर की मजामत को बर की दौर से जोड़ते हैं, यानी वो आले से जोड़ते हैं, तो उसमें से बर की रौ बहती है, और वो बर की रौ जब मजामत के पास जाती है तो उससे मजामत की तार में जो है तपिश पैदा होती है, और वो तपिश से जो बर की रौ होती है वो हरारत जो पैदा होती है उस हरारत को बर की रौ का हरारती असर कहते हैं। अब इसकी जो है मिसालें हैं आपको दी गई है, यहाँ पर जो है लच्छों का लच्छा होता है यानी कॉयल जैसा होता है, और जैसे स्प्रिंग किस तरह से होती है राउंड राउंड राउंड, वैसी जो है लच्छे होते हैं, और लच्छों का भी लच्छा होता है क्योंकि बहुत सारे लच्छों को मिक्स करके एक बड़ा बनाया जाता है। अब ये जो है एक आप लोगों ने देखा होगा पहले बहुत इस्तेमाल होता था, ये जो है पानी गर्म करने के लिए इस्तेमाल होता था, इसे बर्की हीटर कहा जाता है। मतलब ये जो लच्छा है इसको आप अगर प्लग इन कर दोगे, इसमें से बर्की रौ बहेगी, और पानी के बाल्टी में रख दोगे तो पानी जो है गर्म हो जाता है। इसके अलावा बल्ब जो है सबसे बड़ी एग्जांपल है बर्की रौ के हरारत के असर की। उसके अलावा जो हीटर का लच्छा, अंगेठी का लच्छा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हीटर्स, और जो अलग अलग तरह के हम हीटर भी बोल सकते हैं इसे, शमसी नहीं सॉरी शमसी नहीं हीटर ही कहा जाएगा इसे, तो इन सब में जो है इसका इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर जो है ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछा भी जाता है कि नाइक्रोम का इस्तेमाल क्यों होता है। जिस मौसिल की मजाहमत ज़्यादा हो ऐसे मौसिल का यहाँ पर इस्तेमाल होता है, यानी बरकी रौ के हरारती असर में जिसकी मजाहमत ज़्यादा होगी वो वाले मौसिल का जो है इस्तेमाल होता है। यानी इसकी मिसाल है कि नाइक्रोम का मखलूत धात का एक लच्छा होता है जो आप यहाँ देख सकते हैं, ये कॉइल, इसका जो है बरकी अंगेठी में यानी इलेक्ट्रिक अंगेठी में इसका इस्तेमाल होता है बरकी मजामत के तौर पे, क्योंकि ये जो है इसकी मजामत ज़्यादा है, इसमें तपिश ज़्यादा आएगी तो इसका हरारती असर ज़्यादा दिखेगा। उसके बाद दूसरी मिसाल है टंगस्टन तार की, ये तार की जो कॉइल है आप यहाँ देख सकते हैं इसके लच्छे, ये जो है बल्ब में इस्तेमाल की जाती है, और इसकी वजह से बल्ब मतलब इसकी मजामती को इतनी ज़्यादा है कि बल्ब जो है वो 3400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है, और उससे फिर जो है रोशनी निकलती है और हमारा बल्ब जो है वो रोशन हो जाता है। तो ये दो एग्जाम्पल आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर इसे हमेशा जहन में रखिए, ये बस एक जनरल नॉलेज की तरह है। आप जानते हैं कि एक वोल्ट जो है वो बरकी ताकत की इकाई है, लेकिन ये बहुत छोटी है, इसीलिए 1000 वोल्ट यानी 1 किलो वोल्ट जो है ये हम कारोबारी तौर पर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि 1 वोल्ट जो है वो काफ़ी, अभी हम जो नॉर्मली देखते हैं हम ग्राम को यूजुअली बहुत छोटी इकाई है ग्राम, तो हम छोटी छोटी चीज़ों को नापने के लिए यूज़ करेंगे उसको, लेकिन बड़े तौर पर जो है हम ग्राम की बजाय किलोग्राम यूज़ करते हैं, उसी तरह 1 वोल्ट की बजाय हम कारोबारी तौर पर जो है इकाई ये 1 किलो वोल्ट इस्तेमाल होती है। तो अगर 1 घंटे में 1 किलो वोल्ट मिकदार की बरकी ताकत इस्तेमाल की गई, तब जो है बरकी दवाने की मिकदार कैसे इस्तेमाल होगी ये देखेंगे हम मसावात, यानी 1 किलो वोल्ट बराबर 1 किलो वोल्ट पर आर, तो यानी 1000 वोल्ट होगा जब 3600 सेकेंड, क्योंकि हमने देखा था कि 1 जूल बटे 1 सेकेंड बराबर वोल्ट होता है, तो हम जो है सब एक ही इकाई में लेंगे, जो है वोल्ट हमने लिया 1000, तो सेकेंड्स हम लेंगे 3600 सेकेंड्स, यानी 3.6 जब 10 की कुवत 6, यानी कि हमारी जो है बर्की ताकत की इकाई हो जाएगी 3.6 जब 10 की कुवत 6 जूल। ये आपको बस याद रखना है, इस तरह का सब कुछ कॉम्प्लिकेशंस है नहीं इसको समझने में, इकाई है उसकी याद रखिए आप लोग। अब देखते हैं आगे फ्यूज तार और शॉर्ट सर्किट के बारे में दिया गया है। कई मर्तबा कमज़ोर बरकी रौ यानी शॉर्ट सर्किट की वजह से इमारतों में आग लगने के वाकयात सुनने और पढ़ने में आते हैं, काफ़ी कॉमन है ये, और जो है इससे बहुत बड़े पैमाने पर आग लगती है। अपने घर में भी कभी कोई आला या कोई बरकी आला शुरू करते ही कभी कभी होता है कि फ्यूज तार पिघल जाता है, और वो फ्यूज तार पिघलता है इसीलिए बरकी रौ बहना बंद हो जाती है। तो क्या होती है इसकी एक्चुअल वजह हम देखते हैं इसमें। सबसे पहले तो हमारे घर का जो इलेक्ट्रिक पूरा सिस्टम होता है, बिजली के तार होते हैं, उसमें 3 तरह के तार होते हैं। बर्कदार तार यानी लाइव वायर जो है ब्राउन कलर का होता है, ये फिक्स कर दिया गया है इसके कलर्स। मौतदिल तार यानी न्यूट्रल वायर ब्लू कलर का होता है जो, और अर्थिंग तार यानी अर्थ वायर जो है वो ग्रीन कलर का होता है। ऐसे 3 तार सबके घरों में यूज़ होते हैं। और क्या होता है बर्क तार और मौतदिल तार में 220 बरकी कवा का फ़र्क होता है, और मतलब उसमें जो है उतनी मजामत का काम लिया जाता है, और अर्थिंग तार को हम जो है ज़मीन से जोड़ देते हैं। तो आलात की खराबी कुछ कंपनीज भी होती है जो इतना अच्छा माल मतलब माल ख़राब क्वालिटी का होता है, या फिर बर्कदार तार और मौतदिल तार का क्या होता है ऊपर प्लास्टिक का एक कवर होता है, वो एक दूसरे से कभी कभी चिपक जाता है, तो उसकी वजह से बरकी रौ ज़्यादा बहने लगती है, ओवर हो जाता है, तो मजामती तार में तपिश और ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए उस जगह पर हरारत पैदा हो जाती है, और उसके आसपास जो भी ऐसी चीज़ होगी जो आग पकड़ सकती है, जैसे लकड़ी हो गया, कपड़ा हो गया, प्लास्टिक हो गया, उनमें जो है हरारत की वजह से आग लगती है, और फिर आग के शोले भड़क उठते हैं और जो है उस जगह पर आग लग जाती है।
फ्यूज के मुताबिक भी हमने लास्ट ईयर पढ़ा था, ज्यादा बर्की दौर से गुजरते ही हम देख सकते हैं यहाँ पे फ्यूज तारीख दिया हुआ है, वो पिघलने लगता है और पिघल जाता है तो बर्की रो हमारा जो है अगर वो पिघल गया तो बर्की रो बहना बंद हो जाएगा, तो अगर बर्की रो बहेगा नहीं तो हरारत नहीं पैदा होगी और फिर आग लगने का या हादसे लगने का तो कोई मतलब ही नहीं। इसलिए फ्यूज तार ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि हादसे कम हो, अगर ये पिघल गए तो पिघलते साथ ही बर्की रो बंद हो जाएगी। अक्सर गर्मी के दिनों में शाम के वक्त घरों में लाइट, पंखे, एसी और दुकानों में बिजली का इस्तेमाल बढ़ जाता है, हम बहुत अच्छे से वाकिफ है, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर बर्की ताकत जो है इस्तेमाल होती नहीं, ज़्यादा करंट लगता है हमें और ज़्यादा बिजली यूज़ होने लगती है, फिर ज़्यादा मिकदार में बर्की रो जब यूज़ होगी तो बर्की तवाने मुहैया करने वाले जो ट्रांसफार्मर है उसमें अगर उतनी सलाहियत नहीं होती है ना तो उसकी वजह से फ्यूज तार उसका पिघल जाता है और बर्की रो बन जाती है, लाइट चली जाती है, तो ओवरलोडिंग की वजह से भी जो है ये बर्की रो बहना बंद हो जाती है, फ्यूज तार पिघल जाता है। अब यहाँ पे तस्वीर में देख सकते हैं कि कितनी सारी चीज़ें एक ही मीटर बॉक्स इस्तेमाल हो रही, तो इस तरह से भी जो है फ्यूज तार पिघलता और लाइट जाने का ये भी एक मकसद है, मतलब मकसद नहीं वजह है। अभी क्या आप जानते हैं आजकल घरों में MCB यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर नाम से जाने वाली कुंजी या प्लग लगाया जाता है, हमने ये अपने घरों में काफ़ी बार देखी है, बर्की रो अगर अचानक बढ़ गया तो ये कुंजी खुल जाती है और बर्की रो अपने आप जो है वो बंद हो जाता है, तो इसलिए ये MCB जो है वो ज़्यादा घरों में इस्तेमाल किया जाता है फ्यूज तार जो है, लेकिन पूरे घर के लिए फ्यूज तार इस्तेमाल होता है बट ये भी इस्तेमाल किया जाता है, ये काफ़ी सेफ है। और अलग अलग किस्म के फ्यूज तार आते हैं वो भी आप लोग यहाँ तस्वीर में देख सकते हैं, वैसे काफ़ी हद तक हम वाकिफ भी हैं इनमें से, कईयों को हमने देखा भी है फ्यूज तार की अलग अलग किस्मों को। तो आज के लिए गाइज इतना ही, उम्मीद है आपको समझा होगा ये हरारती असर है, मैग्नेटिक इफेक्ट जो है मिकनातीसी असर क्या है वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, वो भी जल्दी आएगा। सो टेक केयर, बाय बाय।